Hi, today we'll talk about Lorenz Curve. That is our another measure of dispersion. तो सबसे पहले बात करते हैं लॉरेंस कर्व क्या होता है. लॉरेंस कर्व इज अ क्यूमुलेटिव परसेंटेज कर्व इन विच द परसेंटेजेस ऑफ आइटम्स आर शोन विद द परसेंटेजेस ऑफ अदर आइटम्स सच एज इनकम वेल्थ प्रॉफिट एक्सेट्रा. तो हम क्या कह रहे हैं, लॉरेंस कर्व बेसिकली एक क्यूमुलेटिव परसेंटेज कर्व है जिसमें हम एक आइटम की परसेंटेज को दूसरी आइटम की परसेंटेज के साथ प्लॉट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड कि हमें लॉरेंस कर्व चाहिए क्यों होता है. लॉरेंस कर्व का बेसिक रूल है, बेसिक पर्पस है जस्ट टू चेक इनइक्वालिटी बिटवीन टू वेरिएबल्स. लेट सपोज हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, दो ग्रुप्स ईच ग्रुप में 10 पीपल हैं, तो हमारे पास उन सबकी इनकम्स हैं. नाउ वी वॉन्ट टू चेक कि किस ग्रुप में ज़्यादा इक्वालिटी एंड किस ग्रुप में कम इक्वालिटी है, लाइक किस में ज़्यादा इनइक्वालिटी है. आइदर वे तो हमें जब इस काइंड दीज काइंड ऑफ केसेस वी कैन यूज लॉरेंस कर्व इन ऑर्डर टू चेक द मेजर ऑफ डिस्पर्शन इन ऑर्डर टू चेक इनइक्वालिटी. तो बेसिकली एक तरीके से लॉरेंस कर्व सिर्फ हमारे को एक इनइक्वालिटी चेक करने के हेल्प करता है, अदरवाइज लॉरेंस कर्व का और कोई रोल नहीं है. लॉरेंस कर्व ना ही हमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू देता है ना ही कुछ और, बट मेन यूज ही सिर्फ लॉरेंस कर्व का ये है कि हमें दो वेरिएबल्स या दो ग्रुप्स में हमें इनइक्वालिटी चेक करने की हेल्प करता है लॉरेंस कर्व. तो अब हम इस लॉरेंस कर्व को देखते हैं कि हम कैसे उसको प्लॉट करते हैं, एंड जब हम प्लॉट कर लेंगे उसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से वो इनइक्वालिटी या इक्वालिटी हमें बताता है. सो फॉर दैट वी हैव फ्यू स्टेप्स कि हम लॉरेंस कर्व को कैसे प्लॉट करते हैं. हम एक एग्जांपल के साथ इस लॉरेंस कर्व को प्लॉट करेंगे ताकि वी कुड इजीली अंडरस्टैंड इट. तो पहला स्टेप कहता है फाइंड द क्यूमुलेटिव वैल्यूज ऑफ द साइज ऑफ आइटम्स और वेरिएबल वैल्यूज एज वेल एज द फ्रीक्वेंसीज. तो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले हमें क्यूमुलेटिव वैल्यूज चाहिए ऑफ ऑल द आइटम्स और फ्रीक्वेंसीज भी. मतलब लेट्स सपोज वी हैव दिस डेटा जिसमें हमें गिवन है इनकम ग्रुप ए ग्रुप बी, मतलब इनकम गिवन है 1,000, 1,200, 1,400 एंड देन वी आर गिवन कि इतने नंबर ऑफ पीपल का बेसिकली वो कितने नंबर ऑफ पीपल की इतनी इनकम है एंड ग्रुप बी में कितने नंबर ऑफ पीपल की इनकम इतनी है. सो हमें ये डेटा गिवन है, अब हमें इससे क्या प्लॉट करना है, लॉरेंस कर्व. सबसे पहले हमें लॉरेंस कर्व में स्टेप वन कह रहा है फाइंड द क्यूमुलेटिव वैल्यूज ऑफ द साइज ऑफ आइटम्स और द वेरिएबल वैल्यूज. सबसे पहले इस इनकम के हम क्यूमुलेटिव वैल्यूज निकालेंगे एज वेल एज दी फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसीज की भी हम क्यूमुलेटिव वैल्यूज निकाल लेंगे. तो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस. सो मैंने ये डेटा लिख लिया है, यहाँ पे हम सबसे पहले अपनी क्यूमुलेटिव वैल्यूज लिखेंगे. क्यूमुलेटिव वैल्यूज फॉर इनकम मतलब पहले 1,000, नेक्स्ट विल बी 1,000 प्लस 1,200 दैट इज 2,200, देन 2,200 प्लस 1,400 हो जाएगी यहाँ पे हमारी क्यूमुलेटिव वैल्यू, दिस विल टर्न आउट टू बी 3,600, 3,600 प्लस 1,600 5,200 प्लस 2,000 7,200 प्लस 2,800 इज 10,000. हमें पता है इस तरीके से हम क्यूमुलेटिव इनकम निकाल लेंगे. अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं. तो सबसे पहले वी नो इट 600 एज इट इज लिखते हैं फर्स्ट का, देन 600 प्लस 800 1,400, देन विल टर्न आउट टू बी 2,600, 2,600 प्लस 900 3,500, 3,500 प्लस 1,000 इज सिंपली 4,500, देन 4,500 प्लस 500 इज 5,000. सिमिलरली हम अपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे ग्रुप बी की, दिस इज 1,500, 1,500 प्लस 1,000 2,500, 2,500 प्लस 900 3,400, 3,400 प्लस 1,100 विल बी 4,500, 4,500 प्लस 300 विल बी 4,800, 4,800 प्लस 200 विल बी 5,000. हमने निकाल दिया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, हमने अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया. नेक्स्ट स्टेप इज एक्सप्रेस दिस क्यूमुलेटिव वैल्यूज एज द परसेंटेजेस बाय टेकिंग द ग्रैंड टोटल फॉर ईच एज 100. मतलब दिस सिंपली सेज कि हमें क्या करना है, अपनी क्यूमुलेटिव वैल्यूज को परसेंटेजेस में कन्वर्ट करना है और जो हमारी टोटल जो आएगा उसको हम 100% लेके चलेंगे. मतलब जैसे इस डेटा में जो हमारा टोटल है, टोटल हमें पता है इस दी लास्ट जो लास्ट क्लास का या लास्ट ऑब्जर्वेशन का जो क्यूमुलेटिव इनकम होती है दैट इज़ दी टोटल, तो उसको हम 100% मान के चलेंगे. सो लाइक इसका भी 5,000 में भी 100%, 5 यहाँ पे भी 5,000 में भी 100%, राइट. अब
अगर ये 100% है तो आपकी ये क्यूमुलेटिव इनकम कितने परसेंट होगी? तो हमें पता है इसका सिंपल रूल क्या है, 1000 upon 10,000 into 100, राइट, दिस विल गिव अस 10. तो हमने क्या किया, हमने सिंपली इस ऑब्जर्वेशन को अपॉन आर टोटल इनटू 100. वैसे ही 2200 upon 10,000 विल गिव अस 22%, देन विल गिव अस 36, 52, 72. वैसे ही इस केस में हम क्या करेंगे, 600 upon 5,000 into 100, सो दिस विल गिव अस 12%, देन अगेन 28%, मतलब 1400 upon 5,000 विल गिव अस 28%, फिर 52%, 70%, 90% and 100%. यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1500 upon 5,000 into 100, जब वो करेंगे हमें ये फॉलोइंग परसेंटेज मिल जाएगी, 30, 50, 68, 90. Then 4800 upon 5,000 into 100 is 96%. तो हमें ये मिल गई परसेंटेजेस, हमारा ये वाला स्टेप भी पूरा हो गया. हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं. अब कह रहे हैं रिप्रेजेंट द परसेंटेजेस ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज ऑन द एक्स एक्सिस स्टार्टिंग द स्केल फ्रॉम 100 to 0. तो हमारे को ग्राफ प्लॉट करना है, हमने ये टेबल अपनी कंप्लीट कर ली. तो अब मैंने इस टेबल की जो समरी है, दैट इज परसेंटेजेस ऑफ क्यूमुलेटिव इनकम, जो हमें आगे चाहिए थ्रू आउट आर थ्रू आउट प्लॉटिंग ऑफ लॉरेंस कर्व, हमने वो एक जगह पे मैंने नोट डाउन कर दी है, राइट. अब हमारे नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑन द एक्स एक्सिस स्टार्टिंग द स्केल फ्रॉम 100 to 0. तो बेसिकली हम पहले अपना एक्स और वाई एक्सिस बनाते हैं, राइट. सो यस, दिस इज आर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आर वाई एक्सिस. अब हम देखते हैं हमें इसे प्लॉट कैसे करना है. दे आर सिंपली सेइंग रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज ऑन द एक्स एक्सिस स्टार्टिंग फ्रॉम द स्केल 100 to 0. तो मतलब हमें, हम जनरली जब प्लॉट करते हैं हम क्या लेते हैं, 0 to 100, बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ले रहे हैं 100 to 0, मतलब यहाँ पे एक्स इज 100 एंड यहाँ पे 0. तो हम इसको सारा वो कर देते हैं, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. हमने ये प्लॉट कर लिया. अब एक चीज़ आप समझो, इम्पॉर्टेंट नोट, हम यहाँ पे 100 to 0 ले रहे हैं, बट हम चाहते तो यहाँ पे 0 to 100 भी ले सकते थे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम एंड में एकदम समझेंगे कि बेसिकली हम लोग लाइन ऑफ इक्वालिटी और जो हमारा एक्चुअल डेटा की लाइन है, हम उनको कंपेयर करते हैं. सो दैट इज़ क्वाइट सिंपल कि अगर हम उसको उस तरीके से भी करेंगे तो हम कर सकते हैं, बट जस्ट फॉर कन्वीनियंस टर्म्स हम एक्स एक्सिस को 100 to 0 ले रहे हैं, बट हम इसको चाहे तो 0 to 100 भी ले सकते हैं. देन आर नेक्स्ट स्टेप सेज रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल ऑन द वाई एक्सिस स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 100. अब हमें वाई एक्सिस क्या चाहिए, 0 to 100, मतलब ये वाला हमारा 0 है, देन 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. अब हमने देखना है कि मैं जो अभी ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हो, बहुत रफ ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, तो हम इसको एग्जैक्टली सही नहीं कहेंगे. तो हमें यहाँ पर क्या प्लॉट करना है, वी नीड टू प्लॉट आ परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज राइट, एंड यहाँ पे हमें क्या प्लॉट करना है, परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव वेरिएबल. तो वेरिएबल हमारा क्या है, इनकम, राइट. हमने ये दोनों स्टेप्स में देख लिया. फिर हमें क्या करना है, ड्रॉ अ डायगोनल लाइन जॉइनिंग द 0 ऑन द एक्स एक्सिस विद द 100 ऑन द वाई एक्सिस. मतलब एक एक्सिस पे जो 0 है, देखो, ड्रॉ डायगोनल लाइन जॉइनिंग द 0 ऑन द एक्स एक्सिस 100 ऑन द वाई एक्सिस. 100 ऑन वाई एक्सिस क्या है, ये पॉइंट है हमारा, एंड 0 ऑन एक्स एक्सिस क्या है, ये पॉइंट है. तो अब हमारे को इसको जॉइन करके एक डायगोनल लाइन बनाएं, डायगोनल लाइन मतलब एक स्ट्रेट लाइन वेयर वी आर जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स, ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेप सेज दिस इज द कॉल द लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. यस, दिस इज कॉल्ड द लाइन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. क्यों, देखो जब यहाँ पे 100 है यहाँ भी 100 है, जब यहाँ 90 है ये भी आपका 90 है, जब यहाँ आपका 80 है तो ये भी आपका 80 है, जब यहाँ आपका 0 है तो ये भी आपका 0 है, जब यहाँ आपका 10 है तो x एक्सिस पर भी आपका 10 है.
हल्का फुल्का इधर उधर जो हो गया वो हमारे ग्राफ प्लॉट करने में हुआ है, वो हम स्केल से जब प्लॉट करेंगे तो हम एग्जैक्ट जाएंगे, मिल जाएगा हमें. सो नेक्स्ट इज दिस इज कॉल्ड द लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. तो हम इसको लिख लेते हैं ताकि हमें आगे समझने में ईजी हो जाए. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट. नेक्स्ट स्टेप इज प्लॉट द परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव वैल्यूज ऑफ वेरिएबल y अगेंस्ट द परसेंटेज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव वैल्यूज x एंड जॉइन दीज पॉइंट्स विद अ स्मूथ फ्री हैंड कर्व टू ऑब्टेन द लॉरेंस कर्व फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन. हम क्या कह रहे हैं, पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप ए से. ग्रुप ए की का जो जहां पर ये 10 है हमारा, दिस इज द y वेरिएबल एंड दिस इज द x वेरिएबल, क्योंकि हमारे y एक्सिस पे इनकम प्लॉट किया है. तो जहां पर हमारा ये 10 है उसके अगेंस्ट हमें इसको 12 प्लॉट करना है x एक्सिस पे. तो फिर सबसे पहले हमारा क्या है, y एक्सिस पे क्या है हमारा 10 और x एक्सिस पे क्या आएगा 12. तो जहां पे हमारा हमारा क्या है y एक्सिस पे 10, x एक्सिस पे वी नीड अ 12. सो हम इसको कह सकते हैं जो पॉइंट है हमारा कुछ यहाँ पड़ेगा, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज 22 के अगेंस्ट 28. यहाँ पर 22 देखा, यहाँ कहीं पड़ेगा एंड यहाँ पर 28 देखा, यहाँ कहीं पड़ेगा. तो आप इसको कुछ, वी आर नॉट गेटिंग एन एग्जैक्ट बट इट्स एन एस्टिमेटेड वन, तो हम इसको यहाँ कुछ कर सकते हैं प्लॉट. देन जब यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 52 है, 36 आपका कहीं यहाँ पड़ेगा एंड 56 आपका कहीं यहाँ पड़ेगा. तो आप जब दोनों को लेकर जाओगे 36 और 56 का, वो आपका पॉइंट कहीं यहाँ पड़ेगा, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज 52 एंड 70. यहाँ का पॉइंट 52 और यहाँ का पॉइंट इज 70, मतलब यहाँ पड़ा ये वाला जो पॉइंट है एग्जैक्टली यहाँ पड़ेगा. देन वी हैव इज 72 के अगेंस्ट 90. 72 आपका ये रहा एंड 90 आपका ये रहा, तो कुछ यहाँ के भी आ जाएगा ये पॉइंट, ठीक है ना. ये वाला जो पॉइंट था इसमें हमें क्या वैल्यूज थी, 22 एंड 28. तो 22 कुछ ये रहा हमारा, राइट, एंड 28 हमारा यहाँ पर. तो हमारा ये कुछ सेंटर में पड़ेगा, आप ये लगा लो यहाँ पर. बेसिकली इट्स एन अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि हमारे ग्राफ का स्केल सही नहीं हो सकता. वी आर ड्रॉइंग इट ऑन अ रफ पेपर टाइप्स. एंड उसके बाद क्या है, 72 पे 9 के बाद 100 पे 100. सो 100 पे 100 मतलब ये रहा पॉइंट, राइट. सो नाउ वी विल जॉइन ऑल दीज पॉइंट्स. जॉइन करने से पहले एक चीज समझते हैं कि यहाँ पर हमारा जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जीरो है तो हमारा परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव इनकम जहाँ जीरो है, हमारा परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज भी जीरो है दोनों के लिए. ये ऑब्वियस चीज है. हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए, अब हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं. सो वी विल ज्वाइन इट समथिंग. सो मैंने एक बहुत ही रफ तरीके से एक ये कर्व को प्लॉट कर दिया. दिस इज फॉर आर ग्रुप ए. बट अगर आप जब इसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे आप देखोगे आपको एक एग्जैक्ट स्मूथ कर्व मिलेगा. नेक्स्ट वी विल प्लॉट इज 10 के अगेंस्ट 30. तो जब यहाँ पे 10 है, यहाँ पे क्या हमारा 30. सो इट्स लाइक 10 एंड 30 कुछ यहाँ पड़ा ये पॉइंट. देन 22 के अगेंस्ट 50. 22 ये रहा, इसके अगेंस्ट 50 इज हेयर, ये पड़ा हमारा पॉइंट. देन इट सेज 36 के अगेंस्ट 56. 36 ये रहा, 36 के अगेंस्ट 68. 36 ये रहा, इसके अगेंस्ट 68 कुछ यहाँ पड़ा हमारा पॉइंट. देन 52 के अगेंस्ट 70 विल बी समवेयर ओवर है. उसके बाद हमारे को अपना नेक्स्ट पॉइंट देखना है. That is simply, sorry, 52 के अगेंस्ट जो 70 पॉइंट है वो थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए. सो इट विल बी टर्न आउट ओवर है. या देन वी हैव अ नेक्स्ट पॉइंट दैट इज 72 एंड 90. 72 इज हेयर, इसके अगेंस्ट 90 इज है. सॉरी 72 के अगेंस्ट जो है हमारा, हम नेक्स्ट पॉइंट जो प्लॉट करें दैट इज 52 के अगेंस्ट 36 के अगेंस्ट 68. सो वो हमारा यहाँ पे पॉइंट हो गया प्लॉट. देन वी हैव 52 के अगेंस्ट 90. तो 52 हमारा का यहाँ पर है, 90s आर है, तो एक पॉइंट हमारा ये रहा. देन वी हैव 72 के अगेंस्ट 96. देन 96 इज है, देन 100 के अगेंस्ट 100. तो हमारे पास एक ये आ गया, हम ये वाला भी कर्व प्लॉट कर लेते हैं सिंपल. बेसिकली इट विल पास थ्रू दिस पॉइंट, ये इसके थ्रू पास करेगा, राइट.
तो हमारा एक कर्व आया, हम इसमें देख रहे हैं हमारा दो कर्व दोनों आगे पीछे आ रहे हैं, दिस इज फॉर ग्रुप बी. सो व्हेन वी विल कंपेयर दिस, हम क्या कह रहे हैं, अगर हमारा कर्व एग्जैक्टली इस लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे आता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे उसमें इक्वालिटी है. बट अगर हमारा जो डेटा है, मतलब हमारी इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग एवरी पीपल, बट जब हमारी क्या कह रहे हैं, जैसे जैसे हमारा कर्व जितना दूर जाता रहेगा हमारी इस लाइन ऑफ इक्वालिटी से, उतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी बढ़ती जाएगी. मतलब ग्रुप ए कम दूर है तो उसमें कम इनइक्वालिटी है, ग्रुप बी ज़्यादा दूर है मतलब उसमें ज़्यादा इनइक्वालिटी है. तो एक तरीके से हम कह रहे हैं कि ग्रुप ए में इक्वालिटी जो है ज़्यादा है कंपेयर टू ग्रुप बी. क्यों? क्योंकि ग्रुप ए का जो लॉरेंस कर्व है दैट इज नियर टू लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट. तो इस तरीके से लॉरेंस कर्व हमें हेल्प करता है टू मेजर इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी ऑफ द डेटा. हमें ये कोई न्यूमेरिकल फिगर नहीं देता, इट जस्ट गिव्स अस अ कर्व. सो दिस इज हाउ वी प्लॉट लॉरेंस कर्व. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज. थैंक यू.